हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्लेमिंग लाइफ विद सुधा। तो आज जो है मैं शेयर कर रही हूँ कि कुछ जो हम प्रोडक्ट रेडी टू ईट रेडी टू मेक लाते हैं कि बस कुछ ही मिनटों में बन जाएगा, वो शेयर करने जा रही हूँ। पहले भी मैंने ऐसी एक वीडियो शेयर की है, क्योंकि आजकल मार्केट इतना बड़ा हो गया है कि आप घर पे तो बनाते ही बनाते हैं, बट उसका रेडी टू कुक ऐसे काफ़ी प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो कभी मन तो करता ही है कि हम ला के ट्राई करें। आप बेशक बहुत अच्छा अच्छा खाना घर पे बनाते हैं, बट जब मार्केट जाते हैं, शॉप पे आते हैं, तो कभी ना कभी तो आप उठा ही लेते हैं, या उठा ही लेना चाहिए। कभी तो ट्राई कुछ करना चाहिए कि चलो ये कैसा है, किस तरह से होता है, कुछ उससे भी आपको आइडियाज़ मिल जाते हैं। तो ज़रूर आप घर पे भी बनाइए अपने एफर्ट के साथ, जैसा कि मैं बनाती हूँ अक्सर। और ये भी मैं लेके आई थी कैरामेल पुडिंग, तो देखना चाहती थी किस तरह से ये बन सकता है और क्या रिजल्ट आता है। तो थोड़ा सा मेरा क्रेज़ रहता है कि अगर कुछ ऐसा रेडी टू कुक है और कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है देखने में पैकेट पे, तो मैं लेके पक्का आती हूँ। हफ्ते में एक बार या महीने में दो बार तो ज़रूर ट्राई करती हूँ। तो ट्राई कर रही हूँ तो आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो कैरामेल पुडिंग सुबह का टाइम है, रात को बना के रख दिया था, इसके बाद वो बनाने का प्रोसेस सारा आपके सामने आएगा, बिल्कुल एंड तक बने रहिए। तो रिजल्ट क्या है वो भी दिखाती हूँ मैं। तो यहाँ पर ये रेडी है, निकाल लिया है फ्रिज से मैंने। वैसे चार घंटे का टाइमिंग है, तीन से चार घंटे का टाइमिंग है इसमें रखने का, बट मैंने रात में 11 से 11:30 बजे बना के फ्रिज में डाला था, तो सुबह तो टाइम मिलता नहीं है। फिर अभी पूरा काम ख़त्म करने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि बना कैसा है। मुझे भी इंतज़ार है कि इसका रिजल्ट कैसा आया है, तो चलिए देख लेते हैं। लेकिन एक मिनट, रिजल्ट देखने से पहले रेसिपी को देख लेते हैं, सारा प्रोसेस कैसे हुआ है। तो रिजल्ट तो देखेंगे ही, पहले रेसिपी देख लेते हैं। तो ये है कैरामेल पुडिंग मिक्स विथ टॉपिंग इनसाइड, इस तरह से लिखा हुआ है। तो कैरामेल पुडिंग का पाउडर है, और इसकी टॉपिंग करने के लिए जो कैरामेलाइज्ड शुगर का सिरप होता है वो है, जो आप ब्राउन ब्राउन ऊपर से कोटिंग होती है। तो डायरेक्शंस दिया हुआ है कि आपको इसे बनाना कैसे है, तो डायरेक्शन के थ्रू मैंने भी उसी हेल्प से बनाया है। तो यहाँ पे पाउच को इस तरह से काट लेते हैं, फिर देखते हैं इसके अंदर किस तरह का है। तो ये है पाउडर जो हमें दूध में डाल के बनाना है, और ये है टॉपिंग जिसके अंदर एक ब्राउन कलर का कैरामलाइज शुगर का सिरप है। तो ये है हमारा पाउडर, तो 68 ग्राम ऐसा कुछ है इसे, और 1/2 लीटर मिल्क के साथ इसे बनाना है। तो गैस पे मैंने एक सॉस पैन चढ़ा दिया है, और यहाँ पे लिया है 1/2 लीटर मिल्क, डाल देंगे इसमें, गैस ऑन कर दिया है, बॉयल आने देंगे। बॉयल आने के बाद पाउच के थ्रू ही मैं इस पर गिरा रही हूँ और चलाते जा रही हूँ। तो ये प्रोसेस आपको करना है, डालते जाएँ और लगातार चलाते जाएँ। डालने के बाद 5 मिनट कुक करने के लिए उसमें इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ था। तो ये गाढ़ा नहीं होता है, थिक नहीं होता है कि आपने डाला और कुछ देर पकने के बाद ये थिक हो जाता है। कंसिस्टेंसी जैसे दूध की थी ना, वैसी हल्की सी, बिल्कुल बहुत हल्की सी 5% कुछ आपको थिक दिखेगी, अदरवाइज दूध की कंसिस्टेंसी जैसी होती है वैसी रहेगी। ये सेट करने के बाद फ्रिज में 4 घंटे रखने के बाद अपने आप ये सॉलिड हो जाती है। तो आपको हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए जो मिक्सचर है वो डालने के बाद लगातार चलाते हुए हाई फ्लेम पे 5 मिनट कुक कर लेना है, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं। तो बस यहाँ पर मैंने चलाते हुए 5 मिनट कुक कर लिया है हाई फ्लेम पे, ये हो चुका है डन। इसे हटा लेते हैं, गैस बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर आप कोई भी मोल्ड ले लें इसे सेट करने के लिए। तो मैंने इस तरह का एक कांच का बॉल लिया है, जिसमें हल्का सा डिज़ाइन साइड साइड में बना हुआ है, हल्का सा ग्रीस करेंगे और फिर नैपकिन पेपर से पोंछ देंगे, ताकि बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो, हल्का सा ग्रीस हो जाए। अब मैं यहाँ पर ये टॉपिंग वाला पाउच यहाँ पे कट कर लेते हैं, देखते हैं कैसे है। इस तरह से तो मैं भी फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, तो बिल्कुल डार्क चॉकलेट कलर में है। तो कैरामलाइज शुगर का सिरप होता है ये, तो मैंने सोचा कि चारों तरफ पहले तो ऐसे फैलाने के लिए सोचा, लेकिन बहुत थिक है ये। फिर स्पून की हेल्प से मैंने सोचा कि इसकी जो साइड्स की वॉल हैं बॉल की, वहाँ भी लगा दूँ, लेकिन जब हम गरम गरम डालते हैं तो वो नीचे ही चला जाता है। इसलिए आप भी ऐसे साइड्स वॉल में बॉल के ना लगाएं, बस नीचे नीचे ही रहने दें, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं सोच रही थी कि शायद उसकी भी कोटिंग साइड से भी हो जाएगी, बट वो मेल्ट होकर नीचे ही चली जाती है। तो बस जो नीचे का बॉल का बेस होता है ना तला, उसी पर रहने दें उस सिरप को, और फिर आप वो जो मिक्सचर हमने दूध का तैयार किया है वो डाल देंगे। तो ये प्रोसेस ना करें साइड वाला, नीचे ही रहने देना है। जब मैंने इसमें मिल्क डाला था गर्म वाला, तो वो सारा साइड्स वॉल छोड़ के नीचे ही चला गया था। तो बस इस तरह से मैंने कोटिंग कर ली है। अब इसमें पोर कर देंगे मिल्क वाले मिक्सचर को।
तो हल्का सा ठंडा हुआ है तो उसमें कर देना है आपको। और क्या करना है, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर में आने देना है, थोड़ा सा ठंडा होने दे। 50% फ्रिज आप फ्रिज में रखें तो 50% ठंडा होने के बाद फ्रिज में रख दिया है, 4 घंटे से पहले ना निकालें, 4 घंटे के बाद आप कभी भी निकाल सकते। अब है रिजल्ट की बारी, मैं सुबह का दिखा रही हूँ, जो मैंने बताया कि सुबह के टाइम निकाल रही हूँ। तो 4 घंटे से पहले बिल्कुल ना निकालें, 4 घंटे के बाद कभी भी निकालें, 5 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, 12 घंटे बाद, पर 4 घंटे से पहले ना निकालें। अब मैं टैप कर रही हूँ बिल्कुल, लेकिन वो निकल नहीं रहा था। फिर साइड की जो बॉल था, वो साइड्स की वॉल नाइफ से, या फिर मैंने ये आइसक्रीम स्टिक पड़ी थी उससे साइड्स की वॉल से डाल के थोड़ा सा रिमूव किया तो फिर ईजिली बाहर आ गया था। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। तो फिर इस तरह से पलट के निकाला मैंने और ये निकल के बाहर आ गया है। देखने में लुक वाइज बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए, ये देखिए, साइड्स की वॉल जो है वो हल्की सी लाइट ब्राउन, ऊपर से बिल्कुल डार्क टॉपिंग, और जो सिरप मेल्ट होके साइड साइड में दिख रहा है वो भी बहुत ही लुकिंग वाइज अट्रैक्टिव दिख रहा है। कट करके दिखा रही हूँ, कट करने में ऐसा फील हो रहा था जैसे बटर काट रहे हैं, मक्खन को काट रहे हैं, इतना सॉफ्ट है ये। तो निकाल के दिखाती हूँ, अंदर से भी बहुत अच्छा लग रहा है। आप किसी भी ना खास ओकेजन पे इस पुडिंग को लाके ना बहुत आराम से इजली घर पे बना सकते हैं, बच्चे बहुत पसंद करेंगे। एकदम मेल्ट हो जाने वाली रेसिपी है ये, मुंह में जाते ही घुल जाती है, और बहुत अच्छा स्वाद भी है इसका। तो रिज़ल्ट बिल्कुल एक्सीलेंट है इसका, अच्छा है। ये देखिए, स्पून से भी निकाल रही हूँ तो बिल्कुल मलाई की तरह कट रहा है। तो खा के मैंने देखा बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। फर्स्ट टाइम ट्राई किया है मैंने, आप लोगों के साथ शेयर किया है, और फर्स्ट टाइम खा रही हूँ इस तरह की बाहर की कैरेमल पुडिंग। जिन्हें मीठा पसंद है, जिन्हें पेस्ट्रीज पसंद है, जिन्हें ऐसे सॉफ्ट वाले केक पसंद है, उन्हें ये ज़रूर पसंद आएगा। ये जो पाउच में था ये 45 रुपीज़ का था, और हाफ लीटर दूध के साथ 2 से 3 लोग इसके साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो 2 से 3 लोग इतने एक पैकेट जो है, ये है 65 ग्राम का, जो हाफ लीटर मिल्क के साथ बन जाता है, 2 से 3 लोग इंजॉय कर सकते हैं। तो मेरे घर में भी 2 बच्चे हैं, मैं हूँ, तो फिलहाल उन्हें मीठा पसंद है, उन्हें सर्व करूँगी। मैं टेस्ट करके दिखाया, आप रिज़ल्ट ओके कह सकते हैं, अच्छा कह सकते हैं, ले सकते हैं, बना सकते हैं, घर पे रख सकते हैं। 2 साल की इसकी एक्सपायरी डेट होती है, तो आप आराम से ला के रखें, जल्दी नहीं है कि चलो ख़राब हो जाएगा। एक्सपायरी डेट इसकी बहुत कम होती है, ऐसे ड्यूरेशन ऐसी नहीं है, लंबी ड्यूरेशन होती है इसकी एक्सपायरी की। ला के रखें, ऑनलाइन मिल जाता है, अगर आपको आसपास की शॉप पे ये नहीं मिलता है। आजकल तो हर चीज़ मार्केट इतना बड़ा हो गया है कि आराम से किसी भी शॉप पे, लेकिन फिर भी आपके एरिया में अगर ऐसा कोई है कि नहीं मिलता हो, तो आजकल तो ऑनलाइन भी हर चीज़ें पहुंच रही हैं। तो ऑनलाइन मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। तो रिज़ल्ट अच्छा है, आप भी मंगाइए। तो चलिए, यहाँ पर पुडिंग मैं सर्व कर देती हूँ बच्चों को, और जाइएगा मत, आगे की रेसिपी जो है वो घर की जमाई हुई दही के साथ लस्सी बनाने जा रही हूँ, तो उसी में ज़रूर देखिएगा। अच्छी गर्मी का मौसम है, ठंडी पुडिंग ले रहे हैं, साथ में लस्सी भी लें, बहुत ही फैंटास्टिक रहेगा, बहुत ही इंजॉयबल रहेगा। तो घर की दही आप बिल्कुल गाढ़ी कैसे जमा सकते हैं वो भी मैं उसकी टिप्स बता रही हूँ, मैंने जमा के रखा है। तो अगर आपके दूध से दही गाढ़ी नहीं जमती है, तो उसमें क्या ट्रिक आप डालें, क्या ट्रिक फॉलो करें कि आपकी दही बिल्कुल गाढ़ी जमे, और आप लस्सी अच्छी सी मीठी मीठी ठंडी सी कैसे बना सकते हैं, तो वो शेयर कर रही हूँ। तो बच्चों को सर्व करके आती हूँ, जाइएगा नहीं, लस्सी की रेसिपी भी आगे है। तो ये निकाल लिया मैंने फ्रिज से दही, जो रात को ही जमाई थी, तो एल्युमिनियम फॉइल इस तरह से लगा दिया था, तो आप किसी भी लिड से ढक्कन से कवर करें। ये देखिए, तो हल्का सा पानी दिख रहा है, और बिल्कुल थक्के वाली दही जम के तैयार हुई है। तो दही जमाने का प्रोसेस जो होता है, दूध हल्का सा गुनगुना होना चाहिए, ताकि आप जब उसमें फिंगर डालें दूध में तो आपकी उंगली वो सह सके, उतना दूध गर्म होना चाहिए। ये देखिए, कट करके दिखा रही हूँ तो एकदम आइसक्रीम की तरह या किसी पुडिंग की तरह कट रहा है। ये देखिए, पानी बिल्कुल नहीं है। तो आप किसी भी दूध के साथ, आपके पास जो भी घर में दूध आता है, तो क्या करना है आपको, इसमें थोड़ा सा मैंने मिल्क पाउडर ऐड किया है। तो 1/2 लीटर दूध था, उसमें मैंने 3 से 4 चम्मच मिल्क पाउडर डाला है, बड़ा चम्मच। और इस तरह से ये ट्रिक है कि आपकी दही अगर अच्छी नहीं जमती है, थोड़ा सा मिल्क पाउडर इसमें डालें, दही बहुत ही गाढ़ी और अच्छी जमेगी, और टेस्ट में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, टेस्ट बिल्कुल दही वाला ही आता है, ये नहीं कि आपको मिल्क पाउडर का टेस्ट आएगा। तो ये ट्रिक ज़रूर फॉलो करें अगर आपकी दही अच्छी नहीं जमती है, ढीली से जमती है। अब यहाँ पे लस्सी मैं बनाते हुए दिखा रही हूँ, मैंने थोड़ा सा पार्ट इसमें थोड़ा सा बचा लिया और डाल दिया है दही इसमें। केसर का दूध है ये, कलर अच्छा लाने के लिए, फ्लेवर के लिए चीनी डाल दिया है, जितना मीठा आप लस्सी में चाहते हैं उतना मीठा। अब ये है पिस्ता का पाउडर,
किसी भी तरह का ड्राई फ्रूट का पाउडर डाल दें, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। एक तरह शाही लस्सी है ये दही की। और यहाँ पे थोड़ा सा 2 छोटा चम्मच जो नारियल का बुरादा आता है, डेसिकेटेड कोकोनट, वो डाला है। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है लस्सी का। उसके साथ जो डेसिकेटेड कोकोनट है, इस तरह से ब्लेंड हो जाएगा इसके मशीन के थ्रू, तो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्लेंडर जो है, इस तरह से आप बर्तन में डाल के कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास ब्लेंडिंग जार है जो उसमें डाल के कर सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से एक बार ब्लेंड कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने गोला बनाने वाली जो मशीन है उससे आइस क्रश कर लिया है इसमें ऐड करने के लिए। तो बिल्कुल गोला वाला बर्फ़ हमें मिल गया है। और ये मैं दही लस्सी में ऐड करूँगी ताकि हमें बिल्कुल ठंडी ठंडी लस्सी मिल सके। तो बस इसमें डाल दिया है एक बार, फिर अच्छे से बर्फ़ डालने के बाद इसे ब्लेंड कर लेंगे। और यहाँ पर हमारी बिल्कुल ठंडी ठंडी स्वादिष्ट घर की दही जमाई हुई लस्सी तैयार है। तो बिल्कुल आप दही को एक बार ज़रूर जमा के इस तरह से देखें मिल्क पाउडर ऐड करके, और रिजल्ट बताएं कि आपको कैसा लगा। एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर जरूर करें कमेंट बॉक्स में आके। सर्व कर दिया है ग्लास में और ऊपर से टॉपिंग कर दे कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट के साथ। तो मैंने पिस्ता और बादाम के साथ इसे गार्निश कर दिया है और बहुत अच्छा लग रहा है। और सही में बताऊँ, मैंने भी पिया, बच्चों ने पिया, बहुत टेस्टी बना था। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें आप इस लस्सी रेसिपी को। इस चिलचिलाती गर्मी में ठंडी ठंडी लस्सी आपको पसंद ज़रूर आएगी। दही भी उसी ट्रिक के साथ आप जमा कर एक बार ज़रूर देखें। तो कैसी लगी पुडिंग की रेसिपी, ट्राई आप लोग भी ज़रूर करिएगा। घर पे भी आप बना सकते हैं, उसकी रेसिपी जल्दी ही शेयर होगी कि घर पे आप कैरेमल पुडिंग कैसे बना सकते हैं। ब्रेड वाली बनती है, ट्रेंडिंग वीडियो है ब्रेड वाली कैरेमल पुडिंग। और मार्केट से भी इस तरह के पाउडर आते हैं जो आप बना सकते हैं, सस्ते हैं, ठीक है, ला सकते हैं, कभी ट्राई कर सकते हैं। तो ये जो मेरा ब्लॉग चैनल है इस पे मैं शेयर करती हूँ कि अगर मैं कोई चीज़ नई प्रोडक्ट मार्केट से ला के बना रही हूँ जो रेडी टू कुक होता है, तो वो ज़रूर शेयर करती हूँ। तो ऐसी बहुत सारी रेसिपीज़ मैं अपना शेयर आगे भी करूँगी, तो उसे आप देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और लस्सी आपको दिखाया मैंने, बहुत ही थिक और गाढ़ी थी। तो अगर आपका जो डेयरी का दूध है, पैकेट का दूध है, गाढ़ा नहीं जमता है, तो बिल्कुल आप जैसे कि 1/2 लीटर दूध का जमा रहे हैं तो उसमें 2 से 3 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर डाल दें। स्वाद में कोई फ़र्क नहीं आएगा, जो मिल्क पाउडर है वो भी दूध। और ये गोला बनाने वाली जो मशीन है, बाहर आपने बहुत गोले खाए होंगे, गोला खाना सभी को पसंद है, मुझे खुद पर्सनली गोला खाना पसंद है, मुझे बर्फ़ खाना पसंद है, तो गोला खाना तो पसंद होगा ही, बट बाहर मैंने बहुत कम खाया है, तो इसलिए मैं ऑनलाइन बहुत पहले ही लेके आई थी। तो इस तरह से क्रश करके आप दही में डाल सकते हैं। और दही में तो मैं उस तरह से इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्लेंडर से कर रही थी, बट आप जो ब्लेंडर जार होता है उसमें आइस क्यूब्स डाल के, दही डाल के ब्लेंड करके आप लस्सी बना सकते हैं। तो मैं तो आपको ये दिखाना चाहती थी, तो मैंने इस तरह से क्रश करके निकाला और डाला। तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो बताइएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप परचेज़ कर सकते हैं ऑनलाइन भी अगर आप चाहें तो। गोला बच्चे अगर पसंद करते हैं तो बना के दे सकते हैं, सिरप रखें गोले वाला और इस तरह से निकालें। और एक इसका ग्लास भी आता, सारा सेट आता है ग्लास में, इसको दबा के स्टिक डाल के निकालें और अपना सिरप डाल के इन्जॉय कर सकते हैं गोला रेसिपी। चलिए आज की इन्फॉर्मेशन यहीं तक है, लस्सी और पुडिंग रेसिपी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।